डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कल्टीवेटर के बारे में बता रहा हूँ। कल्टीवेटर द्वितीयक भूपरिष्करण का वह यंत्र है जो मिट्टी का बिलोडक यानी स्टीरिंग करके उसे भुरभुरी बनाता है। प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र जो खेत की तैयारी के लिए जैसे मिट्टी पलट हल, इसके बाद द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको बुआई से पूर्व खेत की मिट्टी को यानी बीज सया तैयार करने के लिए तथा बुआई के बाद खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कल्टीवेटर के कार्य कौन से हैं, अगर कार्य पूछता है या लाभ, तो दोनों में आप इसको लिख सकते हैं। कल्टीवेटर के कार्य अथवा लाभ, पहला स्ट्रिंग एंड पल्वराइजेशन ऑफ सॉयल अर्थात मिट्टी का विलोडन तथा चूर्णन करना, ये इसका फर्स्ट काम है। दूसरा जो है इरेडिकेशन ऑफ वीड्स खरपतवारों को नष्ट करना। थर्ड होइंग एंड बीडिंग इन रो सोइंग क्राप यानी पंक्तियों में बोई गई फसलों में निकाई गुड़ाई करना। तो तीन कार्य हो गए। नेक्स्ट क्रशिंग ऑफ क्लाट्स यानी ढेलों को तोड़ना। फिफ्थ कार्य इसका है कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर नमी का संरक्षण। नेक्स्ट मिक्सिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स खाद एवं उर्वरकों को मिलाना, मिक्स करना खेत में खाद और उर्वरकों को मिलाना। सातवां है कटिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एंड मिक्सिंग देम विथ टॉप सॉयल यानी फसलों के अवशेष को काट कर ठूंठ को काट कर मिट्टी में मिलाना। आठवां कार्य है प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड बीज सया तैयार करना। आठवां क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड या बीज सया तैयार करना। नौवां कार्य है लेबलिंग ऑफ लैंड भूमि को समतल करना। और दसवां है सम कल्टीवेटर्स यूज्ड फॉर सोइंग पर्पज यानी कुछ कल्टीवेटर का बुआई के लिए भी प्रयोग किया जाता है जैसे वाह वाह कल्टीवेटर। और ग्यारहवां कार्य इसका कवरिंग ऑफ सीड्स बीजों को मिट्टी से ढकना, ऐसा जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जो छिटकवा बीज से बुआई की जाती है उसमें बीज को ढकने के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट इसका बारहवां कार्य है क्रशिंग ऑफ क्रस्ट खेत में अगर पपड़ी पड़ गई है यानी जुताई के बाद अगर बरसात होती है तो उसमें पपड़ी पड़ जाती है तो पपड़ी को तोड़ने के लिए भी कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज कल्टीवेटर एंड व्हाट इज वर्क ऑफ कल्टीवेटर, या इसका पूछे कि लाभ क्या है क्या कार्य है, तो इसको आप लिखिएगा और तैयार करिए। थैंक यू।